दोस्तों, तारागढ़ दरगाह की ज़ियारत करने के बाद अभी हम पैदल उतरते हुए जाएंगे और देखेंगे तारागढ़ फोर्ट, जहां से पूरा अजमेर शरीफ आपको नज़र आता है और लोग यहां पे ऊंट और घोड़े की सवारी करते हैं। तो चलो देखते हैं तारागढ़ फोर्ट। फोर्ट पे आ गए हैं, अभी हम लोग किले पे आ गए हैं, तारागढ़ का किला। किले पे हम लोग आ गए हैं और देखो अभी हम देखते हैं तारागढ़ का किला। ये देखो एक घोड़ा है यहाँ पे जो बेकाबू हो रहा है। ये है तारागढ़ का फोर्ट, जो कि पब्लिक बहुत है और आप देख सकते हो तारागढ़ का फोर्ट है ये, अलग तारागढ़ का जो किला होता है। और देखते हैं अभी यहाँ पे लोग घोड़े पे सवार होकर फ़ोटो निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग, ये क्या बात है, ये देखिए तारागढ़ का घोड़ा है और ये घोड़ा कैसा उड़ता है, ये शाबाश, ये क्या बात है। और देखो उधर ऊँट है, ये ऊँट की सवारी भी आप कर सकते हो। ये देखिए ऊँट के ऊपर में लोग बैठ रहे हैं, ये ऊँट की सवारी हो रही है। देखिए ये तलवार लेके ऊँट यहाँ से निकल चुका है, ये देखिए, और यहाँ से एक राउंड मार के इनको वापस लेके आएगा। ये देखिए ऊँट के ऊपर में सवारी है। अभी हम आगे चल के देखते हैं आगे क्या है, इसको बोलते हैं फोर्ट। और फोर्ट का यहाँ देखिए बहुत ख़तरनाक जगह है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो आने से पहले याद रखना कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। और ये देखिए पूरा अजमेर सर आपको यहाँ से नज़र आएगा, यहाँ देखोगे पूरा पहाड़ आपको नज़र आएगा। ये देखिए पूरा पहाड़ है, पूरा किला है। और यहाँ पे देखिए आप अंदर एक तालाब आपको नज़र आएगा, देखिए आना सागर। आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको आना सागर दिखेगा। देखिए ये जो है ये आना सागर है, जो बिल्कुल आपको पानी यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम लोग करीब से देखते हैं आना सागर, मैं आपको दिखा रहा हूँ तारागढ़ फोर्ट से, तारागढ़ का जो दरगाह है, हम लोग वहाँ से जब वापस आते हैं फोर्ट के ऊपर में, तो यहाँ से दिखेगा आपको आना सागर। और देखिए यहाँ पे पूरा फोटो आपको दिखाता हूँ मैं, बड़ी पहाड़ी, यहाँ से पूरी बड़ी पहाड़ी दिखेगा, यहाँ पे आना सागर दिखेगा और ये पूरा पहाड़ी आपको नज़र आएगा। चलो देखते हैं आगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करना मत भूलना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि इस तरीके के नए नए वीडियो आपको देखने को मिले सबसे पहले।